28 साल पहले गए थे कार सेवा में, आज ग्राम में हुआ सम्मान। ठीकरी के समीप के ग्राम से ग्वाल से वर्ष 1992 में 12 लोगों का जत्था कार सेवा के लिए अयोध्या गया था, जहां पर विवादित ढांचे को हटाकर रामलला का मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। आज उन्हीं कार सेवकों का ग्राम से ग्वाल में सम्मान किया गया एवं मिठाई खिलाकर रामलला के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव मनाया गया। ग्रामीण कल रात से लड्डू बनवा रहे हैं, वही आज पूरे ग्राम में लड्डुओं का वितरण कर व आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। साथ ही इतने वर्षों में आज महसूस हो रहा है कि जीवन में सबसे ज्यादा खुशी महसूस हो रही है व आज नींव पूजा देख आंखों में खुशी के आंसू बह निकले व इसे पूर्व में जिस दिन ढांचा टूटा उस वक्त खुशी के आंसू बह निकले। आज से 5 अगस्त दीपावली से कम नहीं माना जाएगा। आज हम सब मिलकर घरों में दीपक जलाकर दीपावली पर्व के रूप में बनाकर खुशी जाहिर करेंगे। 1992 से आज तक हम सभी कार सेवक आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे। आज इस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर्व को धूमधाम से मना कर हर घर में दीपक प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। वही 12 कार सेवकों में से 4 की मृत्यु हो चुकी है व अन्य सभी कार सेवकों का ग्रामीणों ने माल्या अर्पण व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम सेगवाल में, जहां से 6 दिसंबर 1992 को करीबन 12 सदस्य कार सेवक बनकर गए थे, जो इस आंदोलन में एक सहयोग किया है। आज इन्होंने इनका सम्मान ग्रामवासियों ने किया है और हर घर में लड्डू वितरण किए गए हैं, डोर टू डोर लड्डू वितरण किए गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसा लगा इनको जब इस आंदोलन में ये सहभागी बने। आप जब आंदोलन के लिए गए यहाँ से, तो एक देशव्यापी आंदोलन के रूप में ये आंदोलन बना, आज वही आंदोलन ने एक भव्य रूप लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सुरेंद्र जी मैं बता दूँ, ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है, विश्वव्यापी का ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर की नींव रखी जा रही है और जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू धर्म के लोगों ने, प्रत्येक हिंदू ने जो सोचा था 500 वर्ष बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, संघ प्रमुख भागवत जी और सभी जनप्रतिनिधि आज बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं। और मेरे गांव से 12 लोगों का जत्था मेरे साथ गए थे, उसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं का सम्मान गांव वालों ने, गांव के वरिष्ठों ने आज किया है और उनके जो इसमें नहीं है उनके बड़े सर, सर सर आपके साथ 12 सदस्य यहाँ से गए थे। एक छोटा सा गांव है जहाँ से 12 सदस्यों के जाना बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे धर्म के प्रति आस्था है और राजा रामचंद्र भगवान के प्रति हमारे गांव से शुरू से ही धार्मिक रहा है और शुरू से ही हमारे गाँव हिंदू धर्म के लड़ाई लड़ता रहा है। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा दीपावली की तरह मनाया गया है, हर घर में मिठाई बांटी गई है, हर व्यक्ति जो कार्यसेवक बन के गया उसका सम्मान किया गया है, मतलब कैसा लग रहा है? अगर ग्रामवासियों ने आपका सम्मान किया है आज, तो कैसा लग रहा है? सम्मान हमको ऐसा लग रहा है भाई साहब कि एक तरह से खुशी के आंसू भी सुबह सुबह मेरे इसमें आ गए थे। और ऐसा एक तो ढांचा टूटा था उस दिन बहुत गर्व महसूस कर रहा था और आज का दिन जिस दिन न्यू रखे उस दिन भी मैं गौरवान्वित कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप जब कार सेवक बनकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था या सहयोग किया था आपने, उस टाइम आपकी उम्र तकरीबन 16 साल बताई गई थी, कि 16 साल की उम्र में आपको ऐसा क्या लगा कि इस आंदोलन में जाना चाहिए था? मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था करीबन 88 से और मैं जगह जगह कैंप आरएसएस के ज्वाइन किए। मैं 92 में सिंहस्थ गया, सिंहस्थ में कई प्रकार के लोग आए, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर बातें चली कि अब समय आ गया है राम मंदिर बनाना है और मस्जिद ढांचा ध्वस्त करना है। उस वक्त मैंने भी मन में ठान लिया कि जब भी ये समय आएगा अयोध्या जाने का, मैं जाऊंगा और वहाँ पर ढांचा गिराऊंगा। यहाँ पर मतलब आपकी उम्र इतनी कम थी कि व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति भी बराबर मिल नहीं पाती है, लेकिन आपने घर वालों को कैसे मनाया, घर वालों को कैसे क्या कहा कि घर वालों ने आपको जाने दिया? मुझे मेरे घर वालों ने बहुत रोका, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी कि अभी तू बहुत छोटा है, वहाँ जाएगा बहुत भीड़ रहेगी, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे डराया भी गांव के लोगों ने भी, बाकी मेरे अंदर जो हौसला था
मैं माना नहीं और मैं रवाना हो गया। ठीक, जब कार सेवक के रूप में गए तो क्या क्या समस्या आई और कैसा लग रहा था आपको उस टाइम? उस टाइम आपको बहुत खुशी हो रही थी और वहाँ पर जो भाषण वगैरह इसको मेरा उमा भारती ने दिए और हमारे मन में काफ़ी जोश भरा उन्होंने, जैसे हमको प्राण भी चले जाए तो भी हमको चिंता नहीं कि राम के लिए हम मिट भी जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या क्या समस्याएं आपको आई? समस्याएं तो कोई नहीं आई, सब हमको खाने पीना व्यवस्था सब फ्री रही। अच्छा, रेल बस और जगह जगह हमको खाना बना के खाना दिया गया। कार सेवक के रूप में गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार स्वर्ग आ गया। अच्छा, अयोध्या में हम जब गए थे ना इतनी भीड़ थी और पब्लिक में इतना उत्साह था तो पेड़ उखाड़ के रास्ता बंद कर दिया। ठीक ठीक, पूरे अयोध्या में एकदम पब्लिक ने उखाड़ के रास्ता बंद कर दिया था, इतना उत्साह था पब्लिक का। ठीक है, क्या नाम है आपका? कमल यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी आप शेखवाल में रहते हैं। हाँ, आज आप लोगों ने कार सेवकों का सम्मान किया है। हाँ, गांव में मिठाइयाँ वितरण की है, कैसे प्रेरणा मिली और कैसे योजना बनाई आपने? बस यही, जैसे कि हमने सुना कि 5 तारीख को जन्मभूमि का भूमि पूजन है, उसी हाँ, उपलक्ष्य में जैसे हमारे गांव से बहुत सौभाग्य की बात थी कि 12 व्यक्ति उस बानू में अयोध्या गए थे जिस समय बाबरी ध्वंस हुआ था। हाँ, उस समय तो हमने वही कि उनका सम्मान भी किया जाए और जैसे हमारे सुखदेव भाई के मार्गदर्शन में हमने प्रसादी वितरण की और इन सभी 12 व्यक्तियों का स्वागत किया। ठीक है।